वेलकम गाइस, हम लोग आज एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, रोडेंट पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक, रोडेंट पेस्ट क्या होते हैं? बेसिकली ऑर्डर रोडेंशिया के अंदर आने वाले एनिमल्स जो डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, उन्हें हम लोग रोडेंट पेस्ट बोल देते हैं। तो जो जो रोडेंट पेस्ट हैं, बेसिकली जो रोडेंट्स हैं, रोडेंट्स के अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे रैट्स के बारे में। मेजर ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो हैं रोडेंट पेस्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे उनके बारे में, जो कि बेसिकली क्या है, रैट्स ही हैं। तो जो रैट्स हैं इनका जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ में जो कनेक्शन है ये काफी ज्यादा पुराना है। ठीक, भगवत पुराण में भी लिखा गया है कि अगर मान लीजिए आपको किसी जगह पर मरे हुए या फिर डेड रैट्स दिखाई पड़े तो वो जगह अच्छी नहीं है, क्योंकि किसी पॉइजन को खाकर वो चूहे मरे होंगे। ठीक, तो मतलब काफी ज्यादा पुराना इनका क्या है, हमारे पास हिस्ट्री है रोडेंट्स की। और इसके अलावा जो रोडेंट पेस्ट होते हैं ये काफी ज्यादा एनुअल लॉस कर देते हैं हमारी क्रॉप्स का। कितना? लगभग 30,000 करोड़, इतना काफी ज्यादा वो क्या करते हैं, वो डैमेज कर देते हैं। मेजर सीरियस पेस्ट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, सीरियस डैमेज करते हैं हमारी क्रॉप्स को। ठीक, क्रॉप्स को डैमेज करने के अलावा ये क्या करते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं वो अलग है। ठीक, जैसे ब्यूबोनिक प्लेग है, जो ब्यूबोनिक प्लेग जो है, या फिर हम लोग बात करें जो रेबीज है वो भी ये फैलाते हैं। और अगर मान लीजिए जो फील्ड्स हैं उनके अंदर इनकी ग्रोथ को चेक ना किया जाए, ग्रोथ को चेक ना किया जाए मतलब क्या है, इनकी जो मल्टीप्लीकेशन करने की जो रेट होती है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक, तो मतलब अगर इनको चेक ना किया जाए तो ये क्रॉप को इतना ज्यादा डैमेज करते हैं कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कुछ भी नहीं बचता है। ठीक, तो आइए बात करते हैं रोडेंट पेस्ट के बारे में। बेसिकली जो ऑर्डर रोडेंशिया है इसके अंदर 351 जनेरा आ जाते हैं, जिनमें से इंडिया के अंदर केवल कितने जीनस प्रेजेंट हैं, केवल 45 जीनस प्रेजेंट हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, सिर्फ चार फैमिली से बिलोंग करते हैं। और 45 जीनस में से भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक चुनिंदा रोडेंट पेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, जो लगभग 11 के आसपास स्पीसीज पड़ जाती हैं उनकी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग रोडेंट पेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रेटस मेल्टाडा। ठीक, रेटस मेल्टाडा जो है ये क्या है, सॉफ्ट फर्ड रैट है। क्या है ये, सॉफ्ट फर्ड रैट है। ठीक, जो कि फील्ड्स में प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोल देते हैं, इसको इसको हम लोग बोल देते हैं सॉफ्ट फर्ड फील्ड रैट। ठीक, अब बेसिकली ये जो क्या है हमारा जो रैट है, रेटस मेल्टाडा जो है ये ऑल ओवर द इंडिया पाया जाता है, ये ऑल ओवर द इंडिया पाया जाता है। ठीक, अब बेसिकली हम लोग रैट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रैट्स के बारे में एक बात आप ध्यान रखिए कि जो रैट्स होते हैं इनकी जो डॉर्सल सरफेस होती है वो ब्राउन कलर की होती है, और जो वेंट्रल सरफेस होती है वो ग्रेइश कलर की होती है। ये आप लोग इस पॉइंट को हर एक रोडेंट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि तो लगभग सभी के अंदर हमें ऐसा ही अरेंजमेंट देखने को मिलता है कलर का। तो जो रेटस मेल्टाडा है इसका जो डॉर्सल सरफेस होती है वो क्या होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। ठीक, और जो वेंट्रल सरफेस है वो क्या होगी, ग्रेइश कलर की होगी। वो किस कलर की होगी, ग्रेइश व्हाइट कलर की होती है। क्लियर? अब देखें, इसका जो हेड होता है वो लगभग 8.3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जिसकी बॉडी होती है, ठीक, बेसिकली जो रोडेंट्स होते हैं, रैट होता है, उसकी बॉडी को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल के पोर्शन के बारे में। ठीक है, तो हेड जो है वो कितना लेंथ होती है, उसकी जो हेड की लेंथ है वो 8.3 सेंटीमीटर होती है, और जो बॉडी है वो 15.6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इसकी। इसके अलावा जो टेल है वो 13.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक, रेटस मेल्टाडा जो है बेसिकली स्पाइनलेस होता है, इसकी जो बॉडी, इसके ऊपर कोई स्पाइन नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो इसका फर है, ठीक है, इसका जो फर होता है, फरी कोट जो इसकी बॉडी के ऊपर दिखता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। वो क्या होता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। और अगर बात करें इसके रिप्रोडक्शन की, तो लगभग पूरा साल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। और उनमें क्या होता है कि इनका जो लिटर साइज है, लिटर साइज के अंदर कितने, इसके लिटर साइज जो है वो कितना है इसका, 1 to 10 यंग वंस। लिटर साइज किसको बोलते हैं कि ऐसे रोडेंट, बेसिकली हम लोग बात करें जो रैट्स होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जो रैट्स होते हैं वो काफी ज्यादा यंग वंस को बर्थ देते हैं एक ही टाइम पे। तो वो काफी ज्यादा यंग वंस होते हैं एक ही टाइम पे जिनका बर्थ होता है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, लिटर बोल देते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, लिटर बोल देते हैं। और लिटर को, या फिर हम लोग बात करें लिटर साइज जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लिटर के अंदर कितने नंबर हैं इंडिविजुअल का। ठीक है, लिटर के अंदर कितना नंबर है इंडिविजुअल्स का, यंग वंस का।
तो उसे हम लोग बोल देते हैं लेटर साइज। तो लेटर साइज जो है रेटस मेल्टाडा का वो कितना है, 1 to 10 ऑर्गेनिजम्स तक इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। 1 to 10 इसके अंदर क्या हो सकते हैं, यंग वंस प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं रेटस मेल्टाडा की हैबिट के बारे में। तो ये क्या है, एक नॉक्टर्नल क्या है, रैट है, नॉक्टर्नल रैट है। और बेसिकली ये बरोस के अंदर रहता है, सिंपल बिल बनाकर रहता है, ठीक। और बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कल्टीवेटेड फील्ड्स होते हैं, जो कल्टीवेटेड फील्ड जो फील्ड्स होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक। और ये डैमेज करता है किसको, सकेलेंट प्लांट्स को, स्टेम्स को, या फिर जो ग्रेन्स हैं उनको काफी ज्यादा क्या करता है, ये डैमेज करता है। आइए नेक्स्ट हम लोग रैट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि रोडेंट पेस्ट है। वो क्या है, मोस बोड्यूग, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोस बोड्यूग बोलते हैं। कॉमनली इसको कॉमन इंडियन फील्ड माउस भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ तक है, बेसिकली यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली ये पाया जाता है। और वही बात कि इसका जो डॉर्सल सरफेस है वो किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, और वेंट्रल सरफेस जो होती है वो इसकी क्या होती है, ग्रे कलर की होती है। आइए इसके हम लोग बॉडी डिविजन की बात करें। तो इसका जो हेड है वो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बॉडी जो है वो 8 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और जो टेल है वो 6 to 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, क्लियर। इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता रहता है। और इसकी जो हम लोग बात करें, जो हैबिट है वो क्या है, नॉक्टर्नल है, ये भी रात को मूवमेंट करने वाला एनिमल है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि ये जो शुगर केन होते हैं हमारे गन्ने की जो क्रॉप होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा फीड करता है, ठीक। इसके अलावा मेज और पैडी भी क्या है, इसके फूड के तौर पर ये उनको यूज करता है, मेज को और पैडी को, ठीक। और ये क्या करता है, पूरा साल रिप्रोडक्शन करता है। और लेटर साइज इसका कितना होता है, 6 to 13 यंग वंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लेटर साइज के, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रोडेंट पेस्ट, उसका नाम क्या है, रैटस रैटस। ये कॉमनली हाउस रैट होता है, जो घरों में भी पाया जाता है। कॉमनली हम लोग जो घरों में माइस देखते हैं वो क्या है, रैटस रैटस ही होता है, ठीक। और ये क्या है, बेसिकली कॉमन रोडेंट पेस्ट है इंडिया का। कॉमन क्या है, रोडेंट है इंडिया का, जो कि डिस्ट्रक्टिव नेचर का होने के कारण हम लोग इसको पेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक। अब ध्यान से बात सुने कि इसका जो डॉर्सल सरफेस होती है वो क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और जो वेंट्रल सरफेस होती है वो क्या होती है, इसकी ग्रेइश व्हाइट कलर की होती है, देखा होगा आपने। अब अगर बात करें इसके टेल की, टेल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 12 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है इसकी, ठीक। टेल काफी ज्यादा क्या होती है, इसकी लंबी होती है। और ये कितने साइज की होती है, लगभग हेड और बॉडी दोनों को अगर मिला दें हम लोग तो उसके साइज की क्या होती है, इसकी टेल होती है। मतलब हेड और बॉडी जो है ये दोनों मिला के कितना इसकी लेंथ हो जाएगी, लगभग 12 to 20 सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक। इतनी हो सकती है, मतलब जो हेड और बॉडी है इसकी लेंथ कितनी होती है, 11.5 and 21 सेंटीमीटर तक इसकी हो सकती है, ठीक। 11.5 to 21 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, नॉक्टर्नल ही रोडेंट है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जो वेयर हाउसेज होती हैं, वेयर हाउसेज में या फिर कॉमनली हाउसेज में हमें देखने को मिलता है, ठीक। और फील्ड्स में या फिर सी पोर्ट पे हमें ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। बेसिकली गोडाउन के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्लियर। अब देखिए कि ये जो रैटस रैटस होता है ये क्या होता है कि बेसिकली जो बरोस बनाता है, बिल बनाता है, एक बहुत कम बिल बनाता है, ठीक है। जब घरों में रहता है तो ये बिलों में ही रहता है, लेकिन जो बिल है ये काफी ज्यादा कम बनाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो रूफ्स होती हैं, ठीक है, या जो ट्रीज होते हैं वहां पर क्या बनाता है, ये अपने नेस्ट बनाता है, ठीक। नेस्ट बनाकर ये रहता है। और इसका जो रिप्रोडक्शन है वो पूरा साल भर चलता है। और लेटर साइज के अंदर कितने होते हैं, इसके अंदर यंग वन जो होते हैं वो 6 to 8 यंग वंस होते हैं, ठीक। अब ध्यान से बात सुने, जो नेक्स्ट हमारा रोडेंट पेस्ट है वो क्या है, रेटस नॉर्वेजिकस। इसको नॉर्वे रैट भी बोलते हैं। ये इंडिया का नेटिव नहीं है, ये इंडिया का नेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में पाया जाता है, ठीक। इंडिया के जो सारे के सारे बिग टाउन्स हैं, बड़े जो शहर हैं, बड़े कस्बे जो हैं वहां पर पाया जाता है, ठीक। इसका जो डॉर्सल सरफेस होती है वो क्या होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, और ग्रेइश होता है ये वेंट्रली, ठीक है। नॉर्मली सारे के सारे जो रैट होते हैं वो ब्राउन होते हैं डॉर्सल सरफेस के अंदर, और वेंट्रल साइड से वो क्या होते हैं, ग्रेइश कलर के होते हैं। तो ये पॉइंट आप सब में लिख सकते हैं लगभग, जो रैट्स हैं उनमें। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, लगभग 20 to 25 सेंटीमीटर इसका जो साइज है वो होता है, कंप्लीट साइज की बात करें हम लोग। और इसकी जो हैबिट है वो क्या है, नॉक्टर्नल ये रोडेंट होता है, क्या होता है, नॉक्टर्नल हैबिट होती है इसकी। और कई कई बार हमें ये दिन के अंदर भी एक्टिव देखने को मिलता है, हमें बहुत कम क्या देखने को मिलता है, ये दिन में भी एक्टिव देखने को मिलता है, ठीक। और जो सिटीज होती हैं, जो बेसिकली जो शहर होते हैं
उनके अंदर जो सीवर पाइप्स होती हैं, सीवर पाइप्स जो क्या करती हैं, सीवेज को बहाकर लेके जाती हैं, ठीक है, गंदे पानी को जो बहाकर लेके जाती हैं, सीवर्स जिनको बोलते हैं, सीवर पाइप्स में ये पाया जाता है, ठीक। और ये इसलिए सीवर पाइप्स में पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, सीवर रैट भी बोल देते हैं हम लोग। और इसका जो मेन डैमेज ये कॉज करता है, ये स्टोर्ड ग्रेन्स को क्या करता है, मेन डैमेज कॉज करता है, ठीक। और ये क्या करता है कि पूरा साल भर क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, पूरा साल भर ब्रीडिंग करता है। और इसका जो लिटर साइज है उसके अंदर कितने यंग वन होते हैं, लगभग 5 to 7 यंग वन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो आइए इसके बाद में हम लोग कुछ एक और रोडेंट पेस्ट को समझने की ट्राई करते हैं। आइए बात करते हैं कुछ एक और इम्पोर्टेंट रोडेंट पेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हम जो रोडेंट पेस्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मस मस्कुलस है, द हाउस माउस इसको बोला जाता है। कॉमनली जो हम लोग घरों में देखते हैं माउस को, वो क्या होता है, मस मस्कुलस ही होता है, ठीक, हमें कॉमनली घरों में दिख जाता है, क्लियर। और पूरे इंडिया के अंदर पाया जाता है। रैटस, रैटस की क्या होती है, ये रिड्यूस कॉपी होती है, मतलब उससे उससे क्या होता है, थोड़े छोटे साइज का होता है और कॉमनली घरों में रहता है ये, ठीक। और ये बिल बनाता है, क्लियर। और ये क्या होता है, बेसिकली डोर्सल जो सरफेस होती है इसकी वो ब्राउन कलर की होती है और व्हाइटिश होता है ये, कहाँ से, ग्रेइश जो व्हाइट होता है वेंट्रली, ठीक, क्या होता है ये वेंट्रली ग्रेइश व्हाइट होता है। और इसका जो हेड रीजन होता है, ठीक, हेड की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 2 to 5 सेंटीमीटर होती है। बॉडी जो होती है वो 3 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और जो टेल है वो क्या होती है, 4 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके जो हैबिट है वो क्या होता है, ये नॉक्टर्नल हैबिट का होता है, ठीक है, रात को बेसिकली क्या करता है, मूव करता है। और पूरा साल क्या करता है, ये ब्रीड करता है, क्या करता है, पूरा साल ब्रीड करता है। इसके अलावा ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो हॉस्टल्स होते हैं, गोडाउन्स हैं, और कभी कभार क्या होता है, घरों में हमें कॉमनली ये दिख जाता है, ठीक। और कभी कभार कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहां पर भी देखने को मिल जाता है। और ये जो डाइट होती है इसकी, ये ओमनिवोरसिन डाइट होता है, मतलब सब कुछ खा लेता है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ता। और पूरा साल ये ब्रीड करता है। और लिटर साइज जो होता है इसका वो कितना होता है, 4 to 8 यंग वंस लिटर साइज होता है इसका। नेक्स्ट जो रोडेंट पेस्ट है वो क्या है, मस प्लेटिथेरिक्स है। मस प्लेटिथेरिक्स जो है वो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ब्राउन स्पाइनी माउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राउन स्पाइनी माउस बोलते हैं, जो बेसिकली यहाँ पर पाया जाता है इंडिया के अंदर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, ठीक। बेसिकली होता क्या है कि ये डार्क ब्राउन होता है डोर्सली, और वेंट्रली ये क्या होता है, व्हाइट होता है, क्लियर। मीडियम साइज का माउस होता है मस प्लेटिथेरिक्स, और नॉक्टर्नल हैबिट का होता है, ठीक है। बेसिकली जो रैट्स हैं वो क्या है, नॉक्टर्नल हैबिट्स के होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये कहाँ पर रहता है बेसिकली, कि जो ड्राई फील्ड्स होते हैं, ठीक है, ड्राई फील्ड्स होते हैं या फिर जो पॉन्ड्स के किनारे होते हैं वहां पर रहता है, ठीक। और बेसिकली करता क्या है कि जो पाथवेज होते हैं क्रॉप फील्ड्स के अंदर, वहां पर ये अपने बिल बनाता है, ठीक। और बिल को बनाकर ये क्या कर देता है, छोटे छोटे पत्थरों से जो ओपनिंग होती है बिल की, उसको बंद कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक। और बेसिकली ये ब्रीड कब करता है, ये ब्रीड करता है जनवरी 2 मार्च एंड अगस्त 2 नवंबर, ये क्या करता है, ब्रीडिंग करता है अपनी। और इसका जो लीटर साइज है वो कितना होता है, 3 to 10 यंग वंस पर लीटर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रोडेंट पेस्ट है वो क्या है, गोलुंडा इलियोटी है, ठीक। इस इंडियन ब्रश रैट भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इंडियन ब्रश रैट भी बोला जाता है। कॉमनली इंडिया के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ये प्रेजेंट होता है, ठीक, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये प्रेजेंट होता है। ध्यान रखें इसका जो डोर्सल सरफेस होती है वो होती तो ब्राउन ही है, लेकिन वो येलोइश ब्राउन होती है, होती तो वो ब्राउन है लेकिन वो क्या होती है, येलोइश ब्राउन होती है, ठीक। और जो वेंट्रल सरफेस है वो ग्रे ही होती है इसकी, वो क्या होती है, ग्रे ही होती है, ठीक। ध्यान से बात सुने कि जो हेड एंड बॉडी है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 9 to 17 सेंटीमीटर होती है, ठीक। और जो टेल है इसकी, जो टेल है इसकी वो कितनी होती है, 7 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये कहाँ पर रहता है बेसिकली, ये कहाँ पर रहता है कि जो थिक बशेज होती है, मतलब जो झाड़ियां होती हैं, ठीक है, गहरी जो झाड़ियां होती हैं वहां पर प्रेजेंट होता है। या फिर हम लोग बात करें कि जो ग्रास होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो ग्रास होता है वहां पर हमें बेसिकली देखने को भी मिलता है, क्लियर। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमें और ज्यादा ये यहाँ पर देखने को मिलता है जो शुगर केन के फील्ड्स होते हैं, ठीक है, या जो फॉडर क्रॉप्स होती हैं, फॉडर क्रॉप्स का मतलब क्या है, जो चारे वाली जो फसलें होती हैं वहां पर हमें ये देखने को मिलता है, ठीक। और ये पूरा साल ब्रीड करता है। और इसका जो लीटर साइज है वो कितना होता है, 5 to 10 सेंटीमीटर का लीटर साइज होता है, ठीक। और नेक्स्ट जो रोडेंट पेस्ट है वो क्या है, बांदीकूट बंगालेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमनली इंडियन मोल रेट बोला जाता है। और ये पूरे इंडिया में पाया जाता है लेकिन राजस्थान में नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट राजस्थान।
ये क्या होता है, शॉर्ट एंड रोबस्ट टाइप का क्या होता है, माउस होता है ठीक। और इसके अंदर बेसिकली ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये डार्क ब्राउन है और ग्रेइश व्हाइट का कलर का है ठीक है। डार्क ब्राउन क्या है, ये डॉर्सली डार्क ब्राउन है और वेंट्रली ये क्या है, ग्रेइश व्हाइट है ठीक। इसकी जो हेड एंड बॉडी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 12 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इसकी जो टेल होती है वो कितनी होती है, 10 to 21 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ध्यान से बात सुने कि जो बांडीकूट बंगालेंसिस है इसकी जो टेल होती है, इसकी मान लीजिए ये जो टेल है इसके ऊपर क्या पाई जाएंगी हमें, कुछ एक रिंग्स दिखेंगे ठीक है। इसकी जो टेल है इस रीजन पे हमें रिंग्स का अरेंजमेंट देखने में मिलेगा, जो प्रोमिनेंट रिंग्स क्या होंगी, प्रोमिनेंट रिंग्स जो है इसकी टेल के ऊपर प्रेजेंट होती है ठीक। अब बेसिकली ये होता क्या है कि कहाँ पर पाया जाता है, जो क्रॉप फील्ड्स हैं, क्रॉप फील्ड्स में पाया जाता है ठीक है, गोडाउन में पाया जाता है। और इसकी जो हैबिट है वो क्या है, नॉक्टर्नल हैबिटेट का होता है ठीक है, नॉक्टर्नल हैबिट होती है इसकी। और बेसिकली ये ग्रिंट करता है एंगर में, जब गुस्सा आता है इसको तब ये क्या करता है, दांत दिखाता है अपने ठीक है, ग्रिंट्स करता है। और ये क्या करता है, काफी बड़े बड़े जो बिल्स बनाता है ठीक है, बड़े बड़े बिल बनाता है जिसकी क्या होती है, लगभग 4 to 20 ओपनिंग्स होती हैं उसकी। पूरा साल ये क्या करता है, ब्रीड करता है। और इसका जो लिटर साइज है वो कितना होता है, 6 to 12। नेक्स्ट जो रोडेंट पेस्ट है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बांदीकोटा इंडिका के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी बांदीकोटा बंगालेंसिस के बारे में, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसे लार्ज बांदीकूट रैट भी बोलते हैं, बेसिकली पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ठीक। ये क्या होता है, लार्ज होता है, बड़े साइज का होता है देन इंडियन मोल रैट। जो लार्ज बांडीकूट रैट है ये इंडियन मोल रैट से क्या होता है, बड़े साइज का होता है ठीक। इसकी जो टेल होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 17 to 35 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, टेल की लेंथ होती है। हेड एंड बॉडी की जो लेंथ है वो 25 to 36 सेंटीमीटर तक वो क्या है, प्रेजेंट होती है। उसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 22 to 36 सेंटीमीटर तक होती है। हैबिट जो है इसकी वो नॉक्टर्नल होता है, क्या है, ये रात्रिचर एनिमल है ठीक है। और क्या होता है, फसोरिल होता है, मतलब ये बिल्स बनाता है ठीक, बिल बनाता है, बरोस बनाता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेसिकली हाउसेज में, स्कूल्स में, और हम लोगों को जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां पर देखने को मिलता है। कभी कभार हमें जो गोडाउन है वहां पर भी देखने को मिल जाता है ठीक। और नेक्स्ट बात करें हम लोग कि ये क्या होता है कि ओमनिवोरस हैबिट का होता है, क्लियर। जो हमारा क्या है बांडिकोटा इंडिका है, ओमनिवोरस इसकी फीडिंग हैबिट होती है, जो कि ग्रेन्स को, ग्रास को, वेजिटेबल को, फ्रूट्स को क्या करता है, डैमेज करता है, बेसिकली इनको खाता है। इसका जो ब्रीडिंग टाइम है वो क्या है, लगभग पूरा साल भर चलता है, पूरा साल भर क्या करता है, ब्रीड करता है। और इसका जो लिटर साइज है उसके अंदर कितने होते हैं, लगभग 6 to 7 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो रोडेंट पेस्ट है वो कौन सा है, हिस्ट्रिक्स इंडिका। हिस्ट्रिक्स इंडिका जो है ये इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन है, इसे क्या बोलते हैं, इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन बोला जाता है। बेसिकली जो रॉकी एरियाज हैं या जो हिली एरियाज हैं, इसके अलावा जो रेगिस्तान का इलाका है ठीक, वहां पर भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है ठीक, टेरिस्ट्रियल नेचर का होता है ये। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेसिकली कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, हिली एरियाज जो हैं यूपी के, नेपाल के, वहां पर प्रेजेंट होता है ठीक। इसके अलावा ये जो रोडेंट है ये क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। लार्ज साइज का क्या होता है, रोडेंट होता है। इसकी जो डोर्सल सरफेस होती है वहां पर क्या होते हैं, क्विल्स डेवलप हो जाते हैं। क्या होते हैं, वहां पर क्विल्स डेवलप हो जाते हैं ठीक। क्या होते हैं, वहां पर क्विल्स डेवलप हो जाते हैं, पूरी की पूरी बैक सरफेस जो होती है इसकी ठीक। और वो में स्पाइंस की तरह भी दिखते हैं। इसकी जो टेल होती है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होती है। अगर हम लोग बात करें कि पूरी जो होल बॉडी की लेंथ है उसका 1/5 पार्ट जो है लेंथ का, उससे भी छोटी होती है इसकी टेल ठीक। और ये बेसिकली कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हमने बात की थी कि रॉकी एरियाज में देखने को मिलता है, या फिर जो सैंड ड्यून्स है, मतलब रेत के जो टीले हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है। नॉक्टर्नल हैबिट का होता है और काफी ज्यादा डैमेज करता है ये ऑनियन को, या फिर पोटेटोज की जो क्रॉप है उसको काफी ज्यादा क्या करता है, ये डैमेज करता है ठीक। इसका जो ब्रीडिंग टाइम है वो कितना है, लगभग साल में अप्रैल टू अक्टूबर तक क्या करता है, ये ब्रीड करता है। और लेटर साइज जो है इसका वो कितना होता है, 1 to 3 इंडिविजुअल्स पर लेटर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा रोडेंट पेस्ट है वो है फनाम्बुलेंस पेनेंटी। फनाम्बुलेंस पेनेंटी को हम लोग कॉमनली कॉमनली हम लोग इसको गिलहरी भी बोल देते हैं ठीक, और स्क्वायरल जिसको हम बोल सकते हैं, फाइव स्ट्रिप्ड पाम स्क्वायरल इसको बोला जाता है कॉमनली ठीक। और बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये हमें पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर यूपी गुजरात महाराष्ट्र लगभग इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है इन स्टेट्स में ये। और इसका जो डॉर्सल सरफेस होती है, डॉर्सल सरफेस जो होती है गिलहरी की आपने देखी होगी, वो क्या होती है, ग्रेइश ब्राउन कलर के वहां पर क्या होते हैं, डॉर्सल सरफेस होती है, ग्रेइश ब्राउन कलर की क्या होती है, डॉर्सल सरफेस होती है।
और वहां पर पांच स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, ठीक है, फाइव व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, उनको ब्राउन जो बैंड्स होते हैं वो अलग कर देते हैं, ठीक, ब्राउन व्हाइट इस टाइप से क्या होते हैं वहां पर बैंड्स पाए जाते हैं पूरी बॉडी की लेंथ के अलोंग। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि क्या होता है कि जो ग्रेइश व्हाइट होता है इसका वेंट्रल जो सरफेस होती है वो क्या होती है, ग्रेइश व्हाइट होती है, ठीक। इसकी जो टेल होती है वो काफी लंबी होती है, 13 सेंटीमीटर तक वो क्या होती है, लंबी होती है। हेड जो होता है इसका 4 सेंटीमीटर तक होता है और जिसकी बॉडी होती है वो 7 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक। इसके अलावा हम लोग बात करें कि ये क्या होती है, डायर्नल होता है, मतलब ये दिन के अंदर एक्टिव होता है, ठीक है, बेसिकली दिन में हमें एक्टिव दिखता है। और आर्बोरियल नेचर का ये एनिमल होता है बेसिकली, मतलब ये क्या रहता है, पेड़ों पे रहता है, ठीक। और ये काफी ज्यादा डैमेज करता है जो वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं या जो फ्रूट्स हैं हमारे, उनको क्या करता है, ये काफी ज्यादा डैमेज करता है, ठीक। और ये इंसेक्ट को भी खा लेता है, फीड करता है इंसेक्ट के ऊपर भी। और हम लोग बात करें कि ये काफी ज्यादा डैमेज करता है जो लाख की क्रॉप होती है, ठीक है, लाख की जो क्रॉप होती है उसको क्या करता है, काफी ज्यादा डैमेज करता है। और इसका जो ब्रीडिंग टाइम है वो लगभग साल भर चलता है। और लिटर साइज जो है इसका वो कितना होता है, 1 to 6 इंडिविजुअल पर लीटर,